नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के चित्र में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। मंत्री श्री पटेल ने श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी और संघर्ष के 9 दशक विचार संगोष्ठी में उद्बोधन देते हुए कहा कि दादा ने अपना जीवन गरीबों, शोषितों और पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। उनके पास जो भी व्यक्ति काम लेकर पहुंचा, कभी निराश होकर वापस नहीं लौटा। दादा विशाल व्यक्तित्व के कद्दावर नेता थे। उनकी विशालता का परिणाम था कि वे विंध्य प्रदेश में सफेद शेर के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। कार्यक्रम में श्रीमती कविता पांडे, विवेक तिवारी बाबला, सिद्धार्थ तिवारी राज, प्रहलाद सिंह, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, पूर्व संसदीय सचिव राजेंद्र मिश्रा, लखनलाल खंडेलवाल, ब्रजेंद्र शुक्ला, चंद्रमणि शुक्ला, गोविंद दास तिवारी, कैशलेश द्विवेदी, सुभाष श्रीवास्तव, राम सुमन पांडे, शिवेंद्र उपाध्याय, सुशील तिवारी, राकेश तिवारी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि दादा सबसे कम उम्र के विधायक बनने वालों में एक थे। वे विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की असीमित शक्तियों की जानकारी दी। वे विधानसभा में 0 आवर्स में बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। दादा अच्छे मार्गदर्शक, विधि विशेषज्ञ थे। उन्होंने विंध्य क्षेत्र के विकास में योगदान दिया और विकास को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। उनके विचार से प्रेरणा लेकर हम विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वे पार्टी के आधार स्तंभ थे। उन्होंने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी। हम भी दादा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आगे कहा कि दादा का जीवन समाजवाद से प्रारंभ हुआ, फिर वे गांधीवादी बने और इसके बाद फिर वे यथार्थवादी बन गए। वे जमींदारी प्रथा के विरोध के कारण जेल भी गए। विंध्य क्षेत्र में तिवारी जी की सबसे बड़ी देन संजय गांधी अस्पताल है, जहाँ दूर दराज के क्षेत्र से लोग अपना उपचार कराने आते हैं। दादा अपने आप में एक संस्था थे। वे राजनीतिक इतिहास थे। नेता के रूप में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की सेवा की, उनके कष्टों और दर्दों को दूर रखा। सिद्धार्थ तिवारी राज ने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि दादा एक नई सोच और विचारधारा के रूप में उभरे हैं। उनका जन्म दिवस सभी को मनाने का हक है। उन्होंने अपनी सोच को विंध्य की माटी में संजोया है। शिवेंद्र उपाध्याय ने अपने संस्मरण व्यक्त करते हुए कहा कि दादा राजनीतिक इतिहास थे। इससे पूर्व कार्यक्रम की प्रेरणा श्रीमती कविता पांडे ने मंत्री श्री पटेल सहित जस्मिता शुक्ला, लता टंडन, हरीश धवन, नित्यानंद मिश्रा, अविनाश शर्मा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, भारती शर्मा को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसलिए है क्योंकि जस्विता ने वो मुकाम हासिल किया है बहुत ही निर्धनता में आकर, बहुत ही ऐसे समय में आकर कि वो खुद ट्यूशन पढ़ाया करती थी बच्चों को, और ट्यूशन पढ़ा करके उन्होंने सिविल जज जैसी परीक्षा को पास आउट। गुड मॉर्निंग टीवी की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स, खास खबर और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और फास्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार।